दोस्तों, मैं फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सेकोरियम। आज का टॉपिक है वो ये है कि अपने फिश को हाई प्रोटीन कैसे दें। देखिए दोस्तों, अपने फिश को हाई प्रोटीन देने के लिए सबसे बेस्ट प्रोटीन सोर्स होता है एग वाइट। जो अंडा होता है उसको बॉयल करने के बाद में उसको इस तरह से आप कट पीस में बना लें, छोटे छोटे पीसेस में। उससे क्या होगा कि आपके एक्वेरियम में गंदगी नहीं होगी, किसी वजह से पानी गंदा नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसको छोटे छोटे पीस में कट कर लें और अपने फिशेस के लिए बना लें। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप फिश रखते हैं तो इतना तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और फिर मुझे तो आपकी फिशेस इसको ईजिली पकड़ लेगी और खा लेगी, तो उसके गले में भी नहीं हटकेगा और आपका पानी गंदा भी नहीं होगा। ये पीसेस के बनाने में फ़ायदा ये होता है कि आपके एक्वेरियम में ईजिली ये पीस तैरते रहेंगे और फिशेस को पकड़ पकड़ कर आराम से खा लेगी। नहीं तो अगर आप इसी तरह से पूरा डालते हैं तो उसमें काफ़ी फैलता है और पूरा पानी गंदा कर देता है, स्मेलिंग प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अंडा देने से आपकी फ़िश को जो फ़ायदे होंगे वो ये होंगे कि उनके कलर्स बहुत अच्छे निकल के आएंगे, फ़िश को पूरा हाई प्रोटीन मिलेगा जो उसको नहीं मिल पाता है वो पूरा इसमें मिलेगा। और आप इसको वीक में एक बार ज़रूर दें। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से देना है। ये देखिए, मैं अपनी फ़िशेस को इस तरह से ये पीसेस लेता हूँ और एक्वेरियम में डाल देता हूँ, तो उससे क्या होगा कि आपकी फ़िशेस जो है इनको ईजिली पकड़ लेगी। और अभी आप देखिए किस तरह से फ़िशेस मेरी इसको खा रही हैं, पूरा इंजॉय कर रही हैं। ये देखिए, तो आपकी फ़िशेस के कलर पूरे बने रहेंगे, आपकी फ़िशेस को किसी तरह की डिजीज़ नहीं होगी और उसमें एक बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी। तो आपकी फ़िशेस ईजिली बहुत अच्छे से एक्वेरियम में अलग ही चमक मारेगी और दिखाई देगी। तो ये फ़ायदे होते हैं अंडे देने के। तो ये पूरा प्रोटीन से इसको नहीं मिल पाता है, हम जो डेली फूड्स देते हैं, टेट्रा बिट्स देते हैं या वो देते हैं, उनमें होता है, लेकिन ये एक नेचुरल सोर्स है आपकी फ़िश को बहुत अच्छा रखने का। तो इस तरह से आप अपनी फ़िश को अंडा दीजिए, इसमें जर्दी ना डालें, जो उसका येलो पार्ट होता है, जर्दी बोलते हैं जैसे, उसको ना दें, क्योंकि आपकी फ़िश उसे खाएगी तो पानी को बहुत ज़्यादा गंदा कर देगी और वो पकड़ में भी नहीं आएगी, क्योंकि वो एकदम पकड़ते ही टूट जाती है। तो आप एग वाइट ही दें और इस तरह से पीसेस में डालने का, देखिए ये फ़ायदा होता है, फ़िशेस को कितना हैप्पीली पकड़ रही है और ये कहीं भी आपके पानी को गंदा नहीं करेगा। आप दे सकते हैं, अगर देना चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं, मगर वो मज़ा नहीं आता फ़िश को जो इसमें आएगा, वो ईज़िली इसको पकड़ेगी, खाएगी और पूरा इन्जॉयमेंट करेगी। ये देखिए, आप देख रहे हैं मैं किस तरह से डाल रहा हूँ अपने एक्वेरियम में, और मेरी सारी फ़िशेस इनको पीसेस को पकड़ रही हैं और ईज़िली खा रही हैं। तो इससे आपकी फ़िश में बहुत अच्छे कलर्स रहेंगे, डिजीज़ नहीं होगी, हैप्पीली रहेगी। अब आप इसको पूरे दिन अब ना दें, जब आप इनको पेट भर के ये खिलाएं, एक अंडा बॉयल किया था मैंने, एक अंडा मैंने इनको खिलाया, जब एक अंडे में मेरी सारी फिश का पेट भर जाता है, खा लेती हैं। मैं अब इनको कल दूंगा इनका खाना, हफ्ते में एक बार अंडा दें, ज़्यादा नहीं देना, हफ्ते में एक बार, कोई भी एक टाइम बना लें, किसी भी हफ्ते में एक दिन बना लें, किस टाइम बना, सुबह में शाम में, मैं इनको मॉर्निंग में देता हूँ, तो ये सारी हैप्पीली रहती हैं। अब देखिए, आप सारी फिशेस बहुत अच्छे से खा रही हैं, तो आप भी अपनी फिशेस को दे सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले टॉपिक में मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।